एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच विचार चल रहा है आज सुबह सुबह। यानी कि आज सुबह सुबह आपके पार्टनर के थॉट्स, आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर की फीलिंग्स को हम देखने वाले हैं, ठीक है? सो यस यस यस, आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी को पूरी तरीके से जो है हम चेक करने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। एंड आपके जो पार्टनर हैं आपको लेकर के क्या उनकी डीप इमोशंस एंड डीप लेवल की फीलिंग्स क्या हैं उसके ऊपर हम लोग गौर करेंगे, ठीक है? तो ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, ठीक, तो वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे, ठीक है? स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। और आज मेरे एस्ट्रो रूही चैनल पे दो मुखी रुद्राक्ष के बारे में काफ़ी डिटेल में वीडियो आने वाली है, तो आप लोग वो मिस मत कीजिएगा। आप लोग जो है खुद से एनर्जाइज कर सकते हैं, जो रुद्राक्ष होता है उसको, उसमें वो बताया गया है, तो आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा वो वीडियो, ओके? चलिए डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स, एंजल्स हमें गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे मुझे गाइड करें। ओके, डिवाइन मुझे गाइड करें, एंजल्स मुझे गाइड करें। ओके, मुझे गाइड करें डिवाइन, एंजल्स, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स। ओके, क्राइंग एंड डिप्रेशन का कार्ड है। ओके, बैलेंसिंग एनर्जीज का कार्ड है। ओके, ट्विन फ्लेम रिकॉग्नाइजेशन का कार्ड है। ओके, और कार्ड देखते हैं। ओके, ट्विन फ्लेम इज नियर। ओहो, चलिए बहुत अच्छा कार्ड, बहुत बेहतरीन कार्ड। मेक द एफर्ट। ओके, एक्सप्रेस योर लव एंड लास्ट कार्ड देखते हैं। तो लास्ट कार्ड मेरे पास है सेपरेशन की एनर्जी। ओके, सो बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो लोग नो कांटेक्ट जोन में अभी चल रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, है ना? नो कांटेक्ट जोन है आपका आपके पार्टनर के साथ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपका आपके पार्टनर के साथ जो कनेक्शन है, आपके पार्टनर आपसे दूर जाके बहुत पछतावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत दूर, बहुत ज़्यादा आपसे सेपरेट होकर के। एक अंदर से जो पछतावे की एनर्जी होती है, पछतावे की फीलिंग्स जो होती है, वो आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर के अंदर एक रिग्रेट वाली फीलिंग्स हैं, ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये सेपरेशन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को तकलीफ तो दे रहा है, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी अकेले हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा अकेले हो गए हैं, और बहुत डीपली ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी पेशेंस रखा है आपके पार्टनर ने इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए, या इस रिश्ते में जितना सेपरेशन हुआ है, जब से सेपरेशन हुआ है आपके पार्टनर ट्राई कर रहे हैं कि ये रिश्ता जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिखता है कि इस रिश्ते को सही करने की चाहत काफ़ी ज़्यादा रही है आपके पार्टनर के अंदर। आपके पार्टनर को लगा है, आपके पार्टनर को लगता है कि ये रिश्ता सही हो सकता है, तभी ये पर्सन चांस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, या कहें तो रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इतना बड़ा रिस्क लेना, देखो फैमिली है और फैमिली को लेकर के, फैमिली का साथ छोड़ करके आपका साथ देना थोड़ा सा अलग वाइब देता है। आपके पार्टनर बहुत सारी कुछ चीज़ें सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी कुछ चीज़ें, बहुत डीप इमोशंस, बहुत डीप कनेक्शन, बहुत डीपली, है ना, आपके पार्टनर के अंदर मुझे फील हो रहा है। मुझे ऐसा फील होता है कि यस, आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत कुछ है, ठीक है, बहुत कुछ है जो कि आपके पार्टनर छुपाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।
एंड बहुत डीपली सोचते हैं, क्योंकि सेपरेशन का टाइम बहुत ज़्यादा दर्दनाक वाला रहा है आप दोनों के बीच में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि क्राइंग एंड डिप्रेशन की एनर्जी क्यों है। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी में क्राइंग एंड डिप्रेशन की एनर्जी क्यों आई है। ओके, क्राइंग एंड डिप्रेशन की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? जस्ट अ मिनट, ये कैमरा जो है ना थोड़ा सा ड्रामा करता है। जस्ट अ मिनट। ओके, सो क्राइंग एंड डिप्रेशन की एनर्जी यहाँ पे टू कार्ड्स निकले हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक द एम्परर की एनर्जी। आपके पार्टनर का कुछ ना कुछ सोशल मीडिया से नाता ज़रूर रहा है, सोशल मीडिया को लेकर के, या सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं ये पर्सन काफ़ी एक्टिव रहे हैं। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर रोते हुए, तकलीफ़ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन रिश्ता होते हुए भी आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है। आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप दोनों रहे हैं एंड इसके बावजूद बहुत गहरा नाता जुड़ा आपसे, आपके पार्टनर का और आपका, आप दोनों का ही एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग सा वाइब फील हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग से एनर्जी फील हुई, आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। यहाँ पे इमोशंस की भरमार रही, यानी कि बहुत 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 डीप इमोशंस रहे, बहुत डीप फीलिंग्स रही आपके पार्टनर की आपको लेकर के। बहुत डीपली आपके पार्टनर सोचने लगे, बहुत डीपली आपके पार्टनर आपको फील करने लगे। एंड मुझे ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर को ना आपका जो प्यार है, आपका जो एक कहते हैं ना कि आपने जितना प्यार दिया है ना, उसका आपके पार्टनर ने 1% भी, मुझे लगता है कि देखो गवाया तो नहीं है आपके पार्टनर ने। लेकिन यहाँ पे ये दिख रहा है ज़रूर कि आपके पार्टनर थोड़ा सा मतलब डिप्रेशन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन रोते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, तकलीफ़ में आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप दोनों का मिलन नहीं हो सकता है, आप दोनों का मिलन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या ये जो पर्सन है ना, ऐसा फील होता है जैसे कि आप दोनों का जो प्यार है ना वो बहुत स्पेशल वाला प्यार है, बहुत एक डीप इमोशनली कनेक्शन होता है, डीपली कनेक्ट होता है इंसान। सो यस, मुझे ऐसा फील होता है आपके रिलेशनशिप में डीप इमोशंस की फीलिंग्स हैं, डीप लेवल में जानने की चाहत होती है आपके पार्टनर को, या फिर कहें तो आपसे जितना प्यार है ना इस पर्सन को, कहीं ना कहीं वो प्यार ऑनलाइन एक्सपेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये जो है ना, जो भी जिस भी तरीके से आप दोनों का रिश्ता जुड़ा है, कहीं ना कहीं ये ऑनलाइन का कुछ तो फंडा है यहाँ पे, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ठीक है, बैलेंसिंग एनर्जी की एनर्जी क्यों है? देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, देख रहे हो, दूर रहते हुए काफ़ी सालों के बाद आप दोनों ने एक दूसरे को देखा है, एक दूसरे को जाना है, एक दूसरे को फील किया है। सो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर के सीरियसली सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। बैलेंसिंग एनर्जी की एनर्जी क्यों है डिवाइन, हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, एम्प्रेस का कार्ड है। ओके, यहाँ है मेरे पास नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड नाइन, सेवन ऑफ कप्स। ओके, आपके पार्टनर थोड़े से कन्फ्यूज़न में चले जाते हैं और आपको भी कन्फ्यूज़न होता है, सच कहा जाए तो आपके पार्टनर थोड़े से अपनी एनर्जी को बैलेंस अभी फ़िलहाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन के पास ऑप्शंस भी हैं। हो सकता है कि इनकी जो मैरिड लाइफ है उसमें इन्वॉल्व हो रहे हों और आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इग्नोर कर रहे थे आपके पार्टनर, क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन को किसी बात का डर, या कहे तो सोसाइटी का डर, या अपने रिश्तेदारों का डर, ऐसा होता है ना कि हाँ यार हमारा एक्शन हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लाइफ में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बहुत सारी कुछ चीज़ें होती हैं जिससे लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। सो यस, मुझे ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ही
हाई लेवल में थोड़ा सा सैड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, डिप्रेशन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, अभी ये पर्सन सोच के थोड़े से कंफ्यूजन में है कि इनको किस तरीके से एनर्जी अपनी मैनेज करनी होगी, किस तरीके से अपने आप को मैनेज करना होगा। तो थोड़ा सा ये पर्सन सोच विचार कर रहे हैं। देखो, मुझे ऐसा फील होता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जितना भी है, देखो एज अ ऑप्शन कहें या फिर एज अ पर्सन कहें, आप दोनों के बीच में काफ़ी बाधाएं जो हैं वो आई हैं, एंड इन बाधाओं को पार करना आप दोनों का ही काम है। ठीक है, सो मुझे ऐसा फील होता है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जितना भी कुछ होना था वो चीज़ तो हो चुका है, लेकिन अब जो है मुझे ऐसा फील होता है कि अब आपके पार्टनर को लगता है कि यस, आपके पार्टनर जो है अब अपने डिसीजन के साथ क्लियर रहना चाहते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं चाहिए इनको। ठीक है, तो इनको लगता है कि अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना होगा। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, इसके बारे में भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को पता है, लेकिन ये कन्फ्यूज़न में है। इनको श्योर नहीं है कि आप दोनों का कनेक्शन ट्विन फ्लेम का है या फिर नहीं है। ठीक है, ओके, ट्विन फ्लेम रिकॉग्नाइजेशन की एनर्जी क्यों है? डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज गाइड करें। नाइट ऑफ कप्स, ओके, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील, टू ऑफ व्हील का कार्ड है। देखो, आपके पार्टनर को मैंने जैसे कि कहा कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं कुछ पता है ट्विन फिल्म कनेक्शन क्या है, या ट्विन फिल्म कनेक्शन को कैसे हम जानते हैं, पहचानते हैं, कैसे हम उसको डील कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं पता है। ठीक है, आपकी पार्टनर थोड़ा सा टाइम लेकर के, थोड़ा सा मतलब अपने आप को, एक होता है ना कि हाँ, नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए अपने आप को थोड़ा सा स्थिर करना पड़ता है। तो यस, आपके पार्टनर के अंदर मुझे वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा बहुत गैप तो होना ही चाहिए, और आपके पार्टनर के अंदर वो गैप दिख रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर परेशान हैं, आपके पार्टनर दो सिचुएशन में परेशान हैं, दो लोगों में परेशान हैं, दो एक होता है ना कि हाँ, दो जगहों पे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और आपके पार्टनर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि क्या करें, क्या ना करें, या कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस करें, क्योंकि इनकी लाइफ में उथल पुथल मची हुई है। देख रहे हो, यहाँ पे टेन ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड है। आपके पार्टनर सोच सोच करके काफ़ी थक गए हैं, काफ़ी पेन हो रहा है इनको, और इनके पेन को समझने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे कोई भी नहीं है, एंड मुझे यहाँ पे किंग ऑफ सॉरी नाइट ऑफ कप्स का कार्ड जो कि बताता है कि यस, आपके पार्टनर के अंदर वो फीलिंग, वो वाइब, वो एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है ना, वो आपके प्यार को कहते हैं ना कि आपके प्यार को पाने की चाहत बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके जो इमोशंस हैं, उसको ले करके जो है ना एक होता है ना कि सोच विचार करना चाहिए। सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को आपसे कहें तो प्यार इतना है कि आपके तरफ ये पर्सन बढ़ना चाह रहे हैं। एंड देखो, हम जिससे प्यार करते हैं उसके तरफ आगे बढ़ने से या आगे बढ़ने में उसके तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड मुझे यहाँ पे यही फील होता है कि यस, आपके जो पार्टनर है, ट्विन फ्लेम इज़ नियर, यस, आपके पार्टनर को ये भी फील होता है कि जो मेरा ट्विन फ्लेम है या जो मेरा पार्टनर है, वो मेरे बहुत करीब है, वो मुझसे दूर जा ही नहीं सकता, वो मुझसे कैसे दूर जा सकता है, कैसे कोई ऐसे कर सकता है। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को ये तकलीफ़, ये दर्द जो है ना, यहाँ पे फील होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, किंग ऑफ विल की एनर्जी है। ओके, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर को ये कंफर्म हो गया है कि आप ही इनके जीवन का वो हिस्सा हो जिससे ये पर्सन पूर्ण हो सकते हैं। परिपूर्ण होने के लिए आधा हिस्सा है ना चाहिए, यानी कि एक मानव या एक स्त्री है ना अपने पार्टनर के बगैर अधूरी होती है। तो वैसे ही जो है आपके पार्टनर की एनर्जी है, आपके पार्टनर को लगता है कि मैं आधा पार्ट हूँ और वो मेरे शरीर का आधा पार्ट है, यानी कि शिव शक्ति जो है
हम बनेंगे। सिर्फ शिव के रहने से शक्ति नहीं होती है, शिव और शक्ति दोनों मिलते हैं तब शिव शक्ति होती है, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके जो इमोशंस हैं, वो काफ़ी कुछ जो है मैनेज करना बनता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि पेज ऑफ व्हील का कार्ड है, जो कि बताता है कि आपके पार्टनर अपने आप में कहीं ना कहीं वो जो चक्र है ना वो कंप्लीट करना चाह रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इसके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं, काफ़ी सोच विचार करने के बाद फाइनली ये पर्सन काफ़ी स्ट्रिक्ट सा एक्शन लेने वाले हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट सा डिसीजन लेने वाले हैं कि भाई बहुत हो गया, अब जो है ना हमसे बर्दाश्त नहीं होने वाला है, ठीक है। वो वाला ही स्थिति आती हुई दिखाई दे रही है कि नहीं भाई, अब जो है ना ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, अब जो है कुछ नेक्स्ट लेवल पे होना चाहिए, अब जो है बेस्ट लेवल पे होना चाहिए, अब जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, अब जो है वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आपके पार्टनर को ये अंदाज़ा लग चुका है लगभग लगभग कि आप ही इनके फ्यूचर जो है स्पाउस हो, है ना। सो यस, जस्ट अ मिनट, एक कार्ड नीचे गिर गया मेरा। ओके, सो देखते हैं मेक द एफर्ट की एनर्जी क्यों है डिवाइन, हमें गाइड करें। मेक द एफर्ट, ओके। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड, एंड मेरे पास है यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी। आपके पार्टनर जो है ना इस रिश्ते में एफर्ट तो डालना चाहते हैं, ठीक है। सेपरेशन हो गया है, सेपरेशन है, अभी भी है, चल रहा है सेपरेशन। ये सेपरेशन ख़त्म होने के कगार पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, एफर्ट डालना पड़ेगा आपके पार्टनर को, शुरुआत करनी पड़ेगी आपके पार्टनर को, आपके साथ प्यार का पूरा जो पंचनामा है वो दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, और ये पर्सन को आपसे जुड़कर काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी पॉजिटिव फील होगा। ये पर्सन को आपका जो प्यार है, आपके जो फीलिंग्स हैं, आपके जो इमोशंस हैं ना, उसको लेकर के काफ़ी ये पर्सन पॉजिटिव फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये पर्सन एफर्ट भी डालेंगे, ठीक है। ये पर्सन एफर्ट भी डालेंगे, एंड ये पर्सन की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन को कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए, ठीक है, बस आपका प्यार चाहिए। एंड आपके पार्टनर को आप में कहीं ना कहीं वो सब कुछ दिखता है जो ये पर्सन अपने फ्यूचर पार्टनर में देखना चाहते हैं, ठीक। मुझे यहाँ पे यही दिखता है कि ये पर्सन एक होता है ना कि हाँ प्यार की एक नई शुरुआत करते हुए ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं, और नई शुरुआत जैसे ही होगी ये पर्सन सब कुछ करने लगेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ करके कहीं जाने की स्थिति में तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। एंड ये पर्सन का दिखता है कि अगर ये पर्सन ये सारी चीज़ें कर लेंगे ना तो ही इनको जो है ना शांति मिलेगी, तो ही इनको जो है ना फुल्ली यहाँ पे इनको वो कहता है ना कि सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है, फुल्ली इनको मतलब सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। सो यस, ये पर्सन काफ़ी सेटिस्फाई होंगे काफ़ी ज़्यादा। ये पर्सन की एनर्जी बताती है कि यस, ये पर्सन सब कुछ कर लेंगे तभी जाके इनको चैन की नींद, या फिर कह दो चैन की सांस आएगी, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है, आपकी जो फीलिंग्स हैं, है ना, उसका साथ आपके पार्टनर को मतलब वो साथ आपके पार्टनर को देना ही चाहिए, ठीक है। एक्सप्रेस योर लव की एनर्जी क्यों है डिवाइन, एक्सप्रेस योर लव। द लवर्स की एनर्जी, ओके। आपके पार्टनर ने अभी तक आपसे प्यार की पूरी मतलब खुलासा नहीं किया है क्या? आपके पार्टनर ने आपको बताया नहीं है कि ये पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं? ये पर्सन का दिख रहा है कि ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि यार तुम ही तो मेरी जीवन हो, तुम ही तो मेरी ज़िंदगी हो, अगर तुम नहीं तो फिर कोई नहीं, है ना। ऑप्शन होने से क्या होता है यहाँ पे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा ही साथ मुझे मिले, तुम्हारा ही साथ मुझे दिल से मिले, और तुम्हारा साथ मिल गया तो मुझे और किसी के साथ की तो ज़रूरत ही नहीं है, है ना। सो मुझे बस जो है ना तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा प्यार मिल गया तो मेरी ज़िंदगी का वो एक अहम हिस्सा है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मायने रखेगा मेरे लिए,
मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही प्यार करूँगा। आपके पार्टनर के अंदर ऐसा लिख रहा है जैसे कि आपके अलावा किसी और को सोचने की भी जो है ना इनकी हिम्मत नहीं है। आपके पार्टनर आपको छोड़ के किसी और को नहीं सोचना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहते हैं। एंड मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है ना वो आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट करता है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। मैं यही कहूँगी कि देखिए आपके पार्टनर को जितनी भी मोहब्बत है या जितना भी क्लैरिटी है वो आपको लेकर के है। एंड ये पर्सन ने एक बार, मुझे लगता है कि एक बार आपका विश्वास तोड़ दिया है या आपके साथ जितना भी कुछ किया उस बात को लेकर के काफ़ी रिग्रेट वाली फीलिंग्स है इनके अंदर। बट मुझे ये भी फील होता है कि ये पर्सन अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पर्सन के अंदर है कि मुझे ऐसे नहीं करना है या मुझे वैसे नहीं करना है। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसी वाइब या ऐसी एनर्जी फील होती हुई दिखाई दे रही है कि यस, आपके पार्टनर अपने आप को कहीं ना कहीं माफ़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो ये सेपरेशन की एनर्जी क्यों है डिवाइन, मुझे गाइड करें। सेपरेशन की एनर्जी क्यों दी है डिवाइन? नाइन ऑफ कप्स, पेज ऑफ व्हील की एनर्जी है। देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपके पार्टनर बहुत बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं ये जो कनेक्शन है इसको आगे ले जाने के लिए, इस कनेक्शन में जो इम्प्रूवमेंट है उसको लाने के लिए आपके पार्टनर मेहनत पे मेहनत, मेहनत पे मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत कुछ जो है बहुत कुछ जो है ये पर्सन बताना चाहते हैं या बहुत कुछ दिखाना चाहते हैं। ये पर्सन की एनर्जी ऐसी ही है कि हाँ इनको जाना है या इनको आगे लेके जाना है अपने रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर को। इसलिए ये पर्सन बहुत सारी विश भी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये पर्सन बहुत एफर्ट डालते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एंड मुझे ऐसा फील होता है कि ये पर्सन आपका साथ पालेंगे ना तो इनको जीवन में किसी के भी साथ की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, मुझे ऐसा फील होता है कि थ्री ऑफ व्हील की एनर्जी जो कि मुझे बताती है कि यस, आपके पार्टनर को आपका जो आपके साथ जो कनेक्शन फील होता है ना, जो स्ट्रांग कनेक्शन फील होता है ना, वो स्ट्रांग कनेक्शन कहीं ना कहीं हाई लेवल पे है। ठीक है, मुझे ये स्ट्रांग कनेक्शन हाई लेवल पे दिखाई दे रहा है। एंड मुझे ऐसा भी फील होता है कि आपके पार्टनर थ्री ऑफ व्हील की एनर्जी में है। थ्री ऑफ व्हील का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि हाँ, आपके पार्टनर कितना भी हो, कुछ भी हो, ये पर्सन मेहनत तो करने वाले हैं, ये पर्सन मेहनत करके ही आगे बढ़ेंगे, मेहनत करके ही जो है ना यहाँ पे जो भी करना है वो करेंगे आपके पार्टनर। ठीक है, मुझे ऐसा फील होता है कि ये पर्सन सब कुछ जो है आपके लिए छोड़ सकते हैं, हर किसी को छोड़ सकते हैं। एंड आपके पार्टनर को हर किसी का, मतलब होता है ना कि हर किसी का साथ नहीं चाहिए, इनको आपका साथ चाहिए, बस वही काफ़ी है। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसी वाइब आ रही है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये सेपरेशन कब ख़त्म होगा, ये ज़रूरी है ना, सेपरेशन कब ख़त्म होगा डिवाइन, हमें प्लीज़ गाइड करें। सेपरेशन कब ख़त्म होगा डिवाइन, हमें प्लीज़ गाइड करें। सेपरेशन कब ख़त्म होगा? ओके, ये सेपरेशन कब ख़त्म होगा? ओके, टेन ऑफ कप्स, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। एट ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड का कार्ड है। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में कि देखिए आपके सेपरेशन की एनर्जी को देखूँ मैं, सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपके सेपरेशन की एनर्जी को मैं देखूँ तो यस, आपका सेपरेशन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये सेपरेशन ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग
कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में एक कर्मा था, और वो जो कर्मा है वो फाइनली रिलीज़ होने वाला है, वो कर्मा फाइनली ख़त्म होगा। एंड वो कर्मा ख़त्म होते ही आप दोनों के बीच का जो प्यार है, आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है ना, वो कनेक्शन कहीं ना कहीं बहुत हाई लेवल पे होगा। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच का जो कर्मा है, आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, वो कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे है, और स्ट्रॉन्ग लेवल पे होने के कारण से आप दोनों का जो कनेक्शन है ये आगे भी जाएगा। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसी वाइब या ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि यस, आपके पार्टनर को आपसे जितनी मोहब्बत है ना, और आपके तरफ जितना ये पर्सन आने के इंतज़ार में है, ये पर्सन का ऐसा लगता है कि जैसे कि जल्दी से ये ख़त्म हो टाइम पीरियड। ठीक है, और जल्दी से ये पर्सन आए भी आपके तरफ, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आपके कार्ड्स काफ़ी क्लियर बताते हैं कि यस, आपके पार्टनर को आपसे प्रेम है, और ये पर्सन वो प्रेम को निभाने के लिए आएंगे ही आएंगे। सो आने वाले टाइम पीरियड में ये सेपरेशन जो है 3 महीने और कंटिन्यू होगा, और 3 महीने के बाद आप दोनों का सेपरेशन ख़त्म हो जाएगा। और डिवाइन की तरफ से यही गाइडेंस है कि पॉजिटिव रहिए और आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कीजिए। ठीक है, सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स के एनर्जी से, एंड आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। यूनिवर्स को कम से कम ग्रेटिट्यूड दीजिए, और किसी के मेहनत को सपोर्ट कीजिए, है ना। जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।